उत्तर प्रदेश के हाथरस में मची भगदड़ की चीखों पुकार, विलाप और अपनों से बिछड़ चुके लोगों के लिए गमजदा परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हादसे वाली जगह पर जैसे मरणासन्न सन्नाटा छाया हुआ है। बीच में एकाध बार के लिए प्रशासन की टीमें तफ्तीश और छानबीन के सिलसिले में पहुंचती हैं। वहां चप्पलों के ढेर, लोगों की रगड़ से जमीन पर घिसती एड़ियों की लकीरें और कहीं पर खून के धब्बों से सुर्ख हो चुके दरों दीवारों में भी न जाने क्या तलाशते दिख जाते हैं। इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसने T20 विश्व कप के मुकाबले में मिली जीत को भी फीका कर दिया, तो इसकी गूंज सड़क से लेकर संसद तक भी सुनाई दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मृतकों के लिए संवेदना प्रकट की। लेकिन मामला यही शांत नहीं हुआ, क्योंकि मामला तो यहां से शुरू हुआ, क्योंकि इस पर अब राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी खुद हाथरस पहुंच रहे हैं। उनके आने की सूचना से प्रशासन अलर्ट हो चुका है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी हाथरस में मृतकों के परिजनों और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि उनके शेड्यूल में और क्या क्या है, इस बारे में ज्यादा कुछ खुलकर बातें नहीं की गई हैं। लेकिन राहुल गांधी के हाथरस पहुंचने से ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ सकता है। आपको बता दें कि 2 जुलाई को हाथरस में भोले बाबा के सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसके बाद वहां अचानक मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। इस बड़ी दुर्घटना को लेकर कई बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस घटना पर जांच कमेटी बैठा दी गई है। सवालों के कटघरे में भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि भी आए, जिनके सत्संग में ये सब कुछ हुआ। हादसे के बाद मामला तो दर्ज हुआ, लेकिन चर्चा इस बात की भी खड़ी हुई कि जो मामला दर्ज हुआ उसमें भोले बाबा आरोपी नहीं है, जबकि बहुत से लोगों की ओर से ये दावे सुनने को मिले कि भोले बाबा की ओर से चरण रज ले जाने की बात कहने के बाद ही लोगों में भगदड़ मची थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने पूछा कि हाथरस में जो दुर्घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है। अपने ट्वीट में वो लिखती हैं कि 3 गुना ज्यादा भीड़ मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं और भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय भी नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं, लापरवाही की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। प्रियंका गांधी ने पूछा कि हाथरस में जो दुखद घटना घटी है उसका जिम्मेदार आखिर कौन है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।